हे गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। 31 अगस्त है और रक्षाबंधन है आज। तो भाई रक्षाबंधन स्पेशल ब्लॉग है और अभी जस्ट मैं सावर लेके आई हूँ और लाल भोले बाबा के पास जाना है, तो पहले मैं रेडी होती हूँ, उसके बाद चलेंगे। तो गाइस अभी हम भोले बाबा के पास जाने वाले थे, लेकिन अभी देखो कौन आ गया, चंदन भैया आ गए हैं। तो पहले राखी बांधते हैं, उसके बाद जाएंगे भोले बाबा के पास। अरे गाना गाओ भैया मेरे। पापा बना दिए तो तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं भोले बाबा के पास, और आपने देखा होगा गोलू भैया नहीं था वहाँ पे जो हम राखी बांध रहे थे, क्योंकि वो घर में नहीं था, कहीं गया था। अभी आया है तो देखो हम लोग के साथ जा रहा है भोले बाबा के पास, फिर आएंगे हम लोग वहाँ से, उसके बाद उसको राखी बांधेंगे। गोलू भैया कहाँ रह गया? तो गाइस भोले बाबा के पास से आने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद, मतलब गोलू भैया को राखी बांधेंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मम्मी लोग जब रेडी हो जाएगी फिर हम लोग जाएंगे सर यहाँ, वहाँ पे भी उत्कर्ष लोग हैं, तो हम लोग हर साल जाते हैं और जाएंगे। और अभी वैसा कुछ प्लान है नहीं बरही जाने का, तो देखते हैं क्या होता है सर यहाँ से आने के बाद। गाइस आ गए हम लोग भोले बाबा के पास, भैया झाड़ू लगा हुआ है, कोई आया है पूजा करके गया है, पूजा भी किया हुआ है। हाँ सुनमी दी जा रही है बेलपत्र तोड़ने ऐसे। गोलू भैया तुम था कहाँ? अरे तुम घर में नहीं था? तो गाइस पूजा हो गया और हम जा रहे हैं वापस घर। तो गाइस घर आ गए, बहुत जोर से प्यास लग रही है। ऐसा नहीं है कि पानी नहीं पिए थे, पानी पिए थे, पर फिर भी बहुत जोर से प्यास लग रही है, गर्मी है ना। तो गाइस ब्रेकफास्ट तो हो गया है सबका, और हम लोग बस 5 मिनट में जाएंगे सर यहाँ। आओ हम लोग जा रहे हैं सर यहाँ, मम्मी बड़ी माँ लोग भी है। घर है जहाँ हम डेली सुबह शाम आते हैं, लेकिन हम आके भी नहीं, लेकिन जब हम देखते आते हैं वो लोग बोर हो गए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अच्छा लगता है। चलो
चलो अब अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। उसके बाद भैया मेरे क्या मेकअप किए तुम लोग, इसलिए डोडो नहीं था जानता है। चलो हम जा रहे हैं वापस घर, और उसके बाद खाना खाने के बाद हम लोग जाएंगे बरही। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं बरही उस टाइम के लिए। गाइस बरही हम लोग आ गए हैं घर, अर्नो साइकिल चला रहा है। अर्नो क्या कर रहा है, जल्दी से आओ जल्दी। दिखाओ राखी, दिखाओ ना ये वाला राखी कौन बांधा है तुम्हारा, ये वाला राखी अरुण अंकल। हम क्या कौन अरुण अंकल, अरुण अंकल राखी बांधते हैं। अरुण अंकल तुमको राखी, अरुण अंकल तुमको बांधा है कि नेहा दी अरुण। अच्छा तो वहाँ क्या था राखी? हाँ क्या अरुण, हाँ बाबू जाएंगे, चलो ना। हेलो दीदी और बेघा दीदी तुम बताया नहीं कौन कौन दीदी तुमको राखी बांधी है। दीदी बांधी है यही चारों, अरे तुम नाश्ता निकाल अब मेघा दीदी और नहीं पानी थे तो तुम्हारा है अवंतिका का हम लोग को पैसा नहीं, डायमंड देगा अरुण वहाँ घूमने जाए धागा। तो गाइस राखी तो हम बांध चुके हैं अरुण को, और देखो आते ही मम्मी का क्या शुरू हो गया, घास पात और पतन काका। और इधर देखो सब लोग बैठे हैं, दादी नानी आंटी तो अंकल अरुण। इन दोनों का अलग ही चल रहा है, जब से आए तब से बस फोन में वीडियोस और फोटोज लेने में बिजी है। मम्मी क्या कर रही है? आज हम लोग आए हैं अपने घर में, जो मदीन से रेस्टोरेंट खुला है वहाँ पे, और देखो सब लोग बैठे हैं। खाना खा के अभी हम लोग आ चुके हैं और सब लोग बैठे हैं। तो गाइस अभी हम लोग खाना वाना खा के बैठे हैं आराम से। सब लोग अभी आराम कर रहे हैं, बहुत देर से आराम कर रहे हैं। कुछ देर आराम करने के बाद हम लोग घर चले जाएंगे, शाम का आनंद ले रहे हैं। और आज मेरा हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज तुम्हें काफ़ी अच्छी लग रही है, इसे तो इतना इतरा रही है। गाइस देखो कौन आया है घर में, सोनाली दी। हाय। अचानक से बिना कोई प्लान के सच में अभी एनीमीज 5 मिनट पहले आके बोला कि सोनाल दी बोले क्या, कहाँ से सोनाल दी आएगी यहाँ पे अचानक? नहीं पापा अभी फोन किए थे सर से,
कंग्रेचुलेशन यार दी, हाँ जा रहे वापस घर यहाँ से, रात के आई थिंक 8:30 हो गया है और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। थोड़ी भाई के लिए पार्सल भी ले लिए हैं और फिर सब लोग आए हैं कह रहा संकल्प। फोन कर देना गाइस। अभी जस्ट हम घर आ गए हैं और आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। काफ़ी टाइम बाद में व्लॉग बना रही थी, आई थिंक 3 महीने हो गए हैं। पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।